एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से आपको क्या पता चलेगा, मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट में बताता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप शायद वो नहीं देख पाते और फिर से वही डाउट्स आप कमेंट में पूछते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टायर वन खत्म हो गया तो टायर टू के लिए आप कम से कम 30 दिन मान के चलिए कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका टायर टू होगा और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू होगा। मतलब टोटल आपका जो चलने वाला है टिल इंटरव्यू जो समय होगा कम से कम 2 से 3 महीने तक का चलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो में आगे कंप्लीट देखिएगा कि क्या मैंने बताया है, आज का रिव्यू कैसा है, कल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और तीसरी चीज़ इंटरव्यू और टायर टू के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सबको नमस्कार, राम राम, जय हिंद। तो आज पहला दिन हो गया आईबी के पेपर का, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जिससे थोड़ा सा कल वालों के लिए आसानी हो सके। बट आप लोग आज परेशान मत होइए, जिन्होंने फर्स्ट पेपर दिया, जिन्होंने सेकंड पेपर दिया और थर्ड पेपर दिया उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। ओवरऑल रिव्यू अगर हम देखेंगे आज के तीनों शिफ्ट का जहाँ तक मिला है, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के कहने का मतलब ये है कि पेपर मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट है, ना ही ईजी है ना ही मॉडरेट है, बीच में है। सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीके मनोहर पांडे की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से लगभग क्वेश्चंस आए हुए हैं। करंट अफेयर्स का कुछ नहीं कहा गया है, करंट अफेयर्स लोग कह रहे हैं कि पुराना आया है, तो मतलब पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स भी अगर आप पढ़ जाते तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स अक्टूबर और अक्टूबर से पहले के आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि सबके लिए ख़राब हुआ होगा वो, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनोहर पांडे वाली किताब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस किताब को पूरा पढ़ जाइए। मैंने आपको कहा था कि मुगल सल्तनत पढ़ लीजिएगा, मुगल सल्तनत से क्वेश्चंस आएंगे, आए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो पेपर अच्छा हुआ होगा आपका। रीजनिंग बहुत ईजी आई है, मैंने बोला था कि रीजनिंग ईजी आएगी, रीजनिंग ईजी आई है, जो पढ़ा है जिसने तैयारी की है थोड़ी बहुत उसके लिए रीजनिंग आसान थी। ओवरनाइट सक्सेस के लिए एग्जाम किसी का क्लियर नहीं होगा, जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहा था जिसको पता है वो किया होगा अच्छे से। मैथ्स कैलकुलेटिव आया है, कैलकुलेटिव तो टीसीएस का आदत है बनाना, जैसे कि आप सीएचएसएल सीजीएल भी अगर देखेंगे तो उसका मैथ्स अब कैलकुलेटिव आता है। क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं। तो मैथ्स में रेशियो क्वेश्चन आए हैं, रेशियो में स्पेशली वो क्वेश्चन आए हैं जो करेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं कि अगर 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का रेशियो 1:2:3 है तो इतना रुपये है तो कितने सिक्के हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, हो सकता है ये कल रिपीट हो सके। परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, एसआई सीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओवरऑल क्वेश्चन ईजी हैं बट कैलकुलेटिव है, तो आपको ध्यान देके अपना मैनेज करना है टाइम के, किसको कितना टाइम देना है। क्वेश्चंस में फंसना नहीं है मैथ्स से कि मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही करूंगा, नहीं, आपको ये देखना है कि आप कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लोग कह रहे हैं कि ईजी है, कॉम्प्रहेंशन था, कर सकते हैं, ईजी है, किया जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं और ईडीएम फ्रेजेज आए हैं, साइनोनिम आया है, एंटोनिम आया है, तो मतलब जो तैयारी, कहने का मतलब ये है कि जो तैयारी पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से, उनके लिए पेपर ठीक ठाक था, वो 70+ स्कोर करके आए हैं, 70+ अटैम्प्ट करके आए हैं। जहाँ तक दिख रहा है लगभग 60+ अटैम्प्ट तो सबका ही सबका है, लेकिन उसमें 70 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले भी बच्चे कुछ हैं, मतलब अगर एवरेज अटैम्प्ट देखा जाए तो 60 to 70 के बीच में है। तो अब कल का पेपर भी देख लेते हैं, कल का अटैम्प्ट भी देख लेंगे, उस हिसाब से एक बार देखेंगे कट ऑफ का, क्योंकि अब ये 10 गुना लेना है, मतलब 1575 अगर सीट हैं तो 15,750 बंदों को लेंगे टायर टू के लिए, और टायर टू के बाद टायर थ्री मतलब इंटरव्यू जो होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अब जो एग्ज़ाम दे दिए बहुत अच्छी बात है, अगर रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा किसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। बट हाँ, और भी आगे एग्जाम्स आने वाले, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, तो ईपीएफओ के एसएसए के लिए मैं बहुत ही जल्दी आपको परसों तक एक वीडियो दे दूंगा कि उसके क्या क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी है, और तब आप उस एग्जाम में भी लग जाइए, ठीक है। और जो लोगों को लगता है कि वो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो टायर टू के लिए जिसका रिजल्ट आ जाएगा उसको इंटरव्यू देना ही देना है, ऐसा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो जो टायर टू में एग्जाम देगा उसको नोटिफिकेशन के हिसाब से इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। तो इंटरव्यू के लिए मैं एक स्पेशल 30 लोगों का बैच लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, बहुत ही मिनिमल सी फीस होगी उसकी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ जुड़ जाइएगा ग्रुप से, सीजल अलेक्जीर भाई के जिसका नाम है, आपको अभी स्क्रीन पे पॉपअप भी हो रहा होगा उस ग्रुप का नाम। ग्रुप में जुड़ने से एक और फ़ायदा आपका ये है कि बच्चे वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं कि क्या क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आया, तो अगर आप अभी भी जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उसमें, और कल भी आपको पता चलेगा सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि 30 लोगों का एक स्पेशल बैच बनेगा इंटरव्यू के लिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तक बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ प्राइवेट कंपनीज में भी और स्पेशली सरकारी में, जैसा कि एसएसबी होता है, मैंने एफकेट का 2 बार एसएसबी दिया जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, सीडीएस का 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया मैंने, और
इंटेलिजेंस ब्यूरो के SEIU 2 का भी इंटरव्यू दे रखा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि इंटरव्यू में थोड़ी सी कैसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद एक छोटी सी मिनिमल सी फीस आपको देनी होगी। सिर्फ ये 30 लोगों का बैच ही होगा, सिर्फ जो 30 लोग पहले ज्वाइन कर लेंगे बस मैं उनको ही ट्रेन करूँगा एक प्राइवेट ग्रुप बना के। तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़ जाइए, और आगे आने वाले बहुत से वैकेंसी आने वाली हैं, उसके सबकी तैयारी एक साथ करेंगे। फॉर्म कब भरना है, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, इसका जॉब प्रोफाइल तो मैं आपको नहीं बता सकता था, लेकिन आने वाली आगे जो भी वैकेंसीज होगी उसके जॉब प्रोफाइल के साथ साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे और फॉर्म को भरेंगे और एग्जाम तक निकलेंगे 2023 से पहले पहले। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं सबकी नौकरी फिक्स हो जाए, मेरा बस यही एम है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, कल के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।